बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ ऐसी आग फैली कि वो अब गृह युद्ध का रूप ले चुकी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से हट चुकी है, देश में सेना का राज हो गया है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात और शेख हसीना का सत्ता से जाना भारत के लिए चिंता की बात है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी देखें तो बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता भारत के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं। जानकार कहते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार हटाकर शहबाज शरीफ की सरकार बनवाई थी, ठीक वैसे ही हो सकता है कि चीन ने बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को फंडिंग कर शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए मजबूर किया हो। किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखना होगा कि भविष्य में भारत बांग्लादेश से किस तरह से संबंध कायम रखता है। सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात है वो ये कि आज शेख हसीना भारत में है। दलाई लामा जब तिब्बत से भागकर भारत आए थे तो उस वक्त से ही चीन और भारत एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 31 मार्च 1949 को दोपहर 2 बजे दलाई लामा ने अब के अरुणाचल प्रदेश के तुआंग जिले में चुतांगमू से याक की पीठ पर बैठकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। तब से वे भारत में ही रह रहे हैं। इस बात से चीन चिढ़ता है, अगर शेख हसीना भी भारत में ही रुक जाती है या भारत उन्हें शरण देता है और चीन की तरह बांग्लादेश भी करता है तो हैरानी नहीं होगी। चीन और पाकिस्तान के इशारे पर वो बांग्लादेश भारत से जंग की स्थिति भी मोल सकता है। जी हाँ, दरअसल शेख हसीना का रुख हमेशा से भारत के पक्ष में रहा है। उनके प्रधानमंत्री रहते भारत और बांग्लादेश की दोस्ती मजबूती से होती रही। यही बात बांग्लादेश की कुछ राजनीतिक पार्टियों को पछती नहीं है। चीन और पाकिस्तान को भी बात अच्छी नहीं लगती। वो आरोप लगाते हैं कि शेख हसीना भारत के इशारे पर चलती है, तो दूसरी ओर शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया को चीन का सपोर्टर कहा जाता है। हसीना के करीबी सूत्रों ने अशांति के लिए चीन और पाकिस्तान को दोषी ठहराया। उनका तर्क यह है कि ये देश कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देने वाली पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पक्ष में है। वे हसीना के उदारवादी इस्लामी शासन को समाप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर भारत ने शेख हसीना को हमेशा पड़ोस में एक करीबी दोस्त माना है, जहां उसकी सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन दोनों का सामना करती है। बांग्लादेश भारत के सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां एक समय विद्रोही समूह सक्रिय हुआ करते थे। वे अक्सर बांग्लादेश में शरण लेते थे। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत की उत्तर पूर्वी सीमा अपेक्षाकृत शांति थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि बांग्लादेश हमारा करीबी और रणनीतिक साझेदार है। हिंसा से बचकर आने वाले शरणार्थियों की आमद एक समस्या बन सकती है। भारत के हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण बाहरी शक्ति ताकत हासिल कर सकती है, जिसे ध्यान में रखना होगा। शेख हसीना के भारत और चीन दोनों के साथ संबंध जो है संतुलित थे। उनके कार्यकाल के दौरान चीन के साथ साझेदारी में बांग्लादेश भारत के हितों के प्रति सतर्क रहा था। बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के लिए इस वजह से भी चिंता पैदा करती है क्योंकि दोनों के बीच 4096 किमी लंबी सीमा है। पड़ोसी मुल्क में पैदा हुई अशांति के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार पड़ोसी देश में उथल पुथल के मद्देनजर 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने हिंसक अशांति और उसके बाद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। तो वही अब आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश सच में भारत में हमला करने वाला है? क्या लगता है, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।